कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद अब खबरें आ रही हैं सलमान खान की शादी की। जी हां दोस्तों, सलमान खान भी जल्द ही बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के साथ सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की फेमस अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा है, जिसकी वजह से सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी की खबर को लेकर वर्तमान में काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके फैंस भी इन्हें शादी के बंधन में बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ही बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार हैं, पर क्या आप इनकी लाइफस्टाइल और पॉपुलैरिटी से वाकिफ हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा आज कितने अमीर हैं और कितने पॉपुलर हैं? नहीं ना, तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान में से कौन सबसे ज्यादा अमीर और पॉपुलर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन सितारों के लिए एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के बारे में, जो बॉलीवुड पर 80 के दशक से राज कर रहे हैं और इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इतना ही नहीं, ये वर्तमान में भी फिल्मों में सक्रिय हैं, जिसकी वजह से ये आज 2660 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं और ये एक फिल्म में काम करने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा रुपए चार्ज करते हैं। जिनके पास बांद्रा में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इस बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा सलमान खान के पास पनवेल में एक फार्म हाउस भी है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। अब आपको बता दें कि अपनी लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए ये वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स के ड्रेसेस वेयर करते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है और अगर किसी इवेंट या फंक्शन में जाते हैं तो इनके ड्रेस फेमस डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। इसके साथ ही ये टॉप ब्रांड्स के स्नीकर्स और अदर एक्सेसरीज भी कैरी करते हैं जिसके लिए ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अब अगर बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें इनके पास मर्सिडीज बेंज GLS 350D जैसी कई टॉप मॉडल्स की कार हैं जिनकी कीमत 10 से 12 करोड़ से भी ऊपर है। अब अगर बात करते हैं बॉलीवुड की दबंगल सोनाक्षी सिन्हा के बारे में तो आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान के साथ दबंग फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने रावड़ी राठौर, दबंग 2, सन ऑफ सरदार जैसी कई फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपनी खुद की पहचान बना ली, जिसकी वजह से आज ये 74 करोड़ रुपए के मालकिन बन चुके हैं। बात करें इनके आलिशान घर के बारे में तो आपको बता दें मुंबई में इनका खुद का आलिशान घर है जहां वो अपने परिवार के साथ रहती हैं, जिसमें फ्लोरिंग से लेकर लाइटें तक हर एक चीज बहुत कीमती है और हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में तो आपको बता दें ये बाय प्रोफेशन एक एक्ट्रेस के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी है, तो बहुत स्टाइलिश ड्रेसेस कैरी करती है और इनका ड्रेसिंग सेंस काफी यूनिक और अट्रैक्टिव होता है जिसकी वजह से ये अपने ड्रेसेस पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। इसके अलावा ये ड्रेस के साथ मैचिंग सैंडल्स, स्नीकर्स, मेकअप और अदर एक्सेसरीज पर भी लाखों रुपए खर्च करती है। वहीं अगर बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें इनके पास मर्सिडीज बेंज S350D, मर्सिडीज बेंज GLS 350D और BMW 6 सीरीज जैसी कार है जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब अगर बात करें सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आपको बता दें कि सलमान खान के इंस्टाग्राम पर 49.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सोनाक्षी सिन्हा के इंस्टाग्राम पर 21.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर बात करें सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा में से कौन सबसे ज्यादा अमीर और पॉपुलर है तो जाहिर सी बात है कि सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा से ज्यादा अमीर और पॉपुलर है, जो इनसे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करते हैं और पॉपुलैरिटी के मामले में भी इनसे दो कदम आगे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की अमीरी और पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।